जैसे 2 साल पहले इंटरस्टेट में मनु ने जैसा परफॉर्म किया था, फर्स्ट टाइम हाँ लोगों को पता 84। चला था मनु हाँ डीपी कौन है, उससे अब तक जैसे मनु का करियर जा रहा है, आप कैसे देखते हैं उसका प्रोग्रेशन? मनु का जैसे उस टाइम पे 82.435 मीटर किया था, वो फर्स्ट कॉम्पिटिशन था उसका, तो जो 84 के ऊपर। तो उसके बाद 2023 में भी 84 का किया, मगर ये कि 2023 में बड़ी उम्मीद, मतलब ये कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 6th पोजीशन लिया हुआ और उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल लिया, तो उससे कि उसकी कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल लेवल में भी कॉम्पिटिशन खेलने का उसकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो हम इस साल में उम्मीद कर रहे थे कि वो मतलब कि कम से कम 87-88 मीटर थ्रो का, लेकिन अभी हो सकता है कि आने वाला कॉम्पिटिशन में हम करें, क्योंकि अभी नॉर्मली प्रैक्टिस में उतना तो कर ही रहा था। तो आज सोचा था कि जिस तरीके से पहला थ्रो किया उसके हिसाब से मुझे लग था कि आज वो अपना पर्सनल बेस्ट या मतलब 86-87 मीटर थ्रो कर सकता था, लेकिन बैड लक नहीं हुआ। तो हम लेकिन नेक्स्ट अगले वाला कॉम्पिटिशन में इसको पूरा करने के लिए पूरा कोशिश। कुछ एनालाइज किया आपने फर्स्ट थ्रो के बाद, ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं हो पाया? हालांकि दो अलग 80 प्लस थे। इस तरीके से हमने वो किया, फर्स्ट थ्रो में बिल्कुल प्रॉपर टेक्निक के करने था, उसके बाद ये 100% कोशिश किया, तो उसमें क्या कि जो टाइमिंग है, वो जो रिलीज ऑफ एंगल है, वो सब मिस हुआ, जो प्रॉपर वे में जो लाइन में थ्रो लगना चाहिए उसकी वजह से ही हमारा आज जो थ्रो है वो अच्छा थ्रो नहीं आ पाया। बाद में हमने जो प्लानिंग किया था वो फर्स्ट थ्रो तक सही था, लेकिन उसके बाद जो थ्रो हुआ वो सब गलत हो गया। कॉम्पिटिशन के दौरान मनु आपकी नीरज से कुछ बात हुई, उसने आपको कुछ एडवाइस दिया जब आप, जैसे आपका शुरुआत अच्छा हुआ बट बीच में फिर एक फाउल भी हुआ, तो कुछ बोला उन्होंने आपको? हाँ, बड़ी बात है कि उनका साथ खेलना ही मतलब एक मोटिवेशन होता है। मतलब 2-3 कॉम्पिटिशन उनके साथ अभी खेला है, लेकिन मतलब अच्छा तरीके से जानते हैं हम, और मतलब कभी भी मिलता है वो मतलब बूस्ट ही करता है, मोटिवेशन करता है, बूस्ट करता है उनके साथ। मतलब ऐसे ही लगता है अभी मैं भी मारूं उनके साथ, मैं भी मेरा भी मतलब ऐसे ही जोश में ऐसे लगता है। कुछ टाइम तक आप लीड भी कर रहे थे कंपटीशन, थर्ड राउंड तक, तो थोड़ा अंदर से ऐसा थोड़ा नर्वसनेस था कि आप वर्ल्ड चैंपियन को लीड कर रहे हैं कंपटीशन में, ऐसा कुछ था दिमाग में? मतलब एक बार तो ऐसे लगा नीरज भाई अभी भी मार सकते हैं, मैं तो इतना नहीं मारा, अगर मैं 86-87 मारता तो ऐसे हो जाता, मतलब हाँ ऐसे चल रहा हूँ ऐसे, तो ये तो उसको उसके लिए तो नॉर्मल है, ईजी, ऐसे तो कभी लगता था मुझे वो मारेगा। मतलब अच्छा लगा उनके साथ खेलना, मतलब बहुत अच्छा लगा, लास्ट थ्रो तक भी लड़ा उनके साथ, अच्छा भी फील हुआ। अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आप क्या टारगेट कर रहे हैं? सर अभी 30 तारीख को एक ताइवान में कॉम्पिटिशन है। अच्छा। तो उस कॉम्पिटिशन में जाने का प्लान है, क्योंकि वो सी ग्रेड का है, तो उससे कुछ पॉइंट्स वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है उनमें, हमारा जो पॉइंट सिस्टम है। तो आप ऐसे मतलब कि अगर ऑटोमेटिक ना हो तो रैंकिंग के थ्रू हो जाए? तो रैंकिंग में तो ऐसे 9th रैंकिंग में है अभी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक हो जाए तो बेहतर है, और आगे के लिए मेडल के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आज के कंडीशंस को कैसे देखते हैं कि विंड थोड़ा नहीं था उस हिसाब से, तो लगा थोड़ा मुश्किल हो गया काम के लिए? ये बहुत अच्छा है, मीन्स कि आगे आने वाला कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा करेगा ये कॉम्पिटिशन की वजह से, क्योंकि यहाँ से इसका एक दो पहले स्टार्टिंग में कॉम्पिटिशन मतलब ये दो कॉम्पिटिशन खराब हो गया था, तो वो चीज़ से इसकी मतलब एक साइकोलॉजी मतलब एकदम बूस्ट हुआ। तो मैं आई होप मतलब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में ये 85-86 के ऊपर थ्रो पक्का करेगा। और बाकी आपके स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? बाला साहब जैसे मेरे पास उत्तम पाटिल है, अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो किया 78.37 किया, उसके बाद केरला का एक लड़का जो है बिबिन अंतोनी है, वो 77.62 कुछ दिया पर्सनल बेस्ट थ्रो किया, और ये मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जब आपके 5 लड़के बेस्ट ऑफ 8 के अंदर है, जैसे हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट 3 इंडिया के थे, वैसे इंडिया में मेरे जो बेस्ट ऑफ 8 के अंदर 5 लड़के हैं, तो आप कोच के लिए बहुत खुशी की वो होता है। तो पहले उसके अंदर वो अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करे तो और मज़ा आता है, और पोडियम फिनिश करते तो और मज़ा है, तो 2 बंदे ने मेरा पोडियम फिनिश किया। तो बस एक थोड़ी सी कसर मेरा ये रह गया कि एक साइड से कि भाई एक लड़का और था वो भी अच्छा कर सकता था।